शनि और चंद्रमा की युति बनाएगी विष योग। 12 मई से शनि और चंद्रमा बनाएंगे कॉम्बिनेशन। विष योग को माना जाता है ज्योतिष में सबसे अशुभ योग। विष योग से बढ़ जाएंगी कुछ राशियों की मुश्किलें। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में समय समय पर ग्रहों के कई योग बनते हैं जो शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं। शुभ योग जहां व्यक्ति को मनचाही सफलता देते हैं तो अशुभ योग कई बार सफलता में बाधा बन जाते हैं, कोई ना कोई परेशानी दे देते हैं। ज्योतिष के मुताबिक हर ग्रह एक निश्चित समय में ट्रांजिट करता है, राशि परिवर्तन करता है। ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में जाना गोचर कहलाता है। इससे कई बार राजयोग भी बनते हैं तो कई बार अशुभ योग भी बनते हैं। ऐसा ही एक अशुभ योग शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से बनने जा रहा है। 12 मई 2023 को यह अशुभ योग बनने जा रहा है। इस दिन कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा एक साथ आ जाएंगे। शनिदेव 17 जनवरी 2023 से ही कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनिदेव को ज्योतिष में हमारे बेहद अहम ग्रहों में से एक माना जाता है। ये सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करने में 2.5 साल का समय लेते हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद अपनी राशि बदल लेते हैं। 12 मई को चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनिदेव के साथ उनकी युति बनने से विष योग का निर्माण होगा। कुंभ राशि में 12 मई को सुबह 12:18 से 14 मई की सुबह 3:24 तक चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसके बाद वो मीन राशि में संचार कर जाएंगे। दरअसल चंद्रमा और शनि की युति के कारण बन रहे विष योग को बेहद अशुभ माना जाता है। विष का मतलब है जहर, पॉइजन। इस योग के नाम से ही स्पष्ट है कि यह योग बिल्कुल भी शुभ नहीं है, बल्कि जहरीला जीवन बना देता है, यानी मुसीबतें बढ़ा देता है। 12 मई को जब विष योग बनेगा तो कुछ राशियों को इसके फल शुभ नहीं होंगे। इन राशियों को अतिरिक्त तौर पर सावधान रहना होगा। बेवजह के टकराव और वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। लव लाइफ में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। नौकरी में कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। शनि और चंद्रमा की युति के कारण ये जो विष योग बन रहा है उससे किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है, यही मैं इस पोस्ट में अपने दर्शकों को बताना जा रहा हूं। इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये पोस्ट पसंद आती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। पहली राशि जिसे विष योग के कारण सतर्क रहना है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के जातकों को विष योग परेशान करेगा। इस राशि के 8वें भाव में शनि है। इसके अलावा ढैया भी चल रही है। छोटी कोशिशों के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। काम की शुरुआत से पहले ही कोई रुकावट आ सकती है। संतान आपको टेंशन दे सकती है। शादीशुदा जीवन भी थोड़ा अस्त व्यस्त रह सकता है, थोड़ा टकराव रह सकता है। दूसरी राशि जिसे सावधान रहना है वो कन्या राशि है। शनि के इस राशि के 6ठे भाव में होने और विष योग के कारण कन्या राशि वालों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 6ठा भाव रोग और शत्रु स्थान होता है। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की, आपकी इमेज को टार्निश करने की, छवि को खंडित करने की, प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। फजूल खर्ची से भी बचें। शारीरिक और मानसिक कष्ट से परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तीसरी राशि जिसे सतर्क रहना है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि की गोचर कुंडली में शनि 4थे भाव में है, जिसे माता और सुख संपत्ति स्थान कहा जाता है। चंद्रमा की युति के कारण विष योग का निर्माण हो रहा है। इस वजह से वृश्चिक राशि के जातकों को दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। कहीं निवेश या लेन देन करने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि पैसे का नुकसान हो सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है। ज्यादा मेहनत के बाद सफलता मिलने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। चौथी राशि जिस पर विष योग का नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है वो कुंभ राशि है, जिसमें इस योग का निर्माण हो रहा है। कुंभ राशि पर वैसे भी शनि की 6.5 सती चल रही है और ऊपर से इस राशि में विष योग भी बनने जा रहा है, जो कोई ना कोई मेंटल टेंशन दे सकता है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ प्रभावित हो सकती है। बिजनेस में थोड़ा अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन जो बाकी राशियां हैं उन पर शनि और चंद्रमा की ये जो युति है जिससे विष योग बन रहा है उससे वो कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ
इन चार राशियों को, जिनके बारे में मैंने अपनी इस पोस्ट में बताया, थोड़ा अतिरिक्त रूप से सावधान रहना होगा। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मेरे पेज से जुड़े रहिए, मेरे पेज को फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी।